धूप की किरणें बहुत तेज थी, इसीलिए गरीब बहुरानी अनामिका एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर ठंडा ठंडा लेमन जूस बेच रही थी। छोटे बड़े का भेदभाव नहीं, जूस पीने के लिए आइए बाबू आइए, छोटा ग्लास 10 रुपए, बड़ा ग्लास 15 रुपए में पी के जाइए। ये सुनकर थोड़ी ही दूर पे श्यामला, जो कि गोली सोडा बेच रही होती है, वो गुस्से से अनामिका को देखती है और मन ही मन सोचती है, अगर ये इस तरह से 10-15 रुपए में लेमन जूस बेचेगी तो मेरा क्या होगा, फिर तो मुझे खुद ही गोली सोडा बनाना होगा और खुद ही बैठकर पीना होगा। इस तरह नहीं चल सकता है, मुझे इसको लेकर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हाँ कुछ सोचती हूँ। इस तरह सोच के अपना दुकान बंद करके हाथ में कुछ पैसे लेकर श्यामला अनामिका के दुकान में जाती है। क्या दीदी, आपको ठंडा ठंडा लेमन जूस चाहिए क्या? इस तरह कहने पर उसके हाथ में जो पैसे थे वो बंडल वो अनामिका के मुंह के ऊपर फेंकती है। पैसे देखकर अनामिका कहती है, दीदी हो सकता है कि आपकी ऐसी परिस्थिति हो कि आप पैसे फेंक सकती है, पर मेरी नहीं कि मैं उन पैसों को उठाऊं। ईश्वर की कृपा और सासू माँ के आशीर्वाद से मैंने ये अपना लेमन जूस सेंटर खोला है, इससे मैं बहुत अच्छा कमा ले रही हूँ और इससे मैं सास ससुर बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रही हूँ। लेकिन मुझे भी तो अपने परिवार के साथ सुखी सुखी जीना है अनामिका। मैं तो आपको रोक नहीं रही हूँ दीदी, मैं अपना लेमन जूस बेच रही हूँ, आप अपना गोली सोडा बेचिए, जो सही में उपयुक्त होगा उसके पास माँ लक्ष्मी खुद ही चली जाएंगी। पहले तो वो आराम से आती थी, जिस दिन से तुमने इस लेमन जूस का ठेला लगाया है उस दिन से आना बंद कर दी। ये सब कुछ हो रहा है बस तुम्हारी ही वजह से। ये सब बात हो ही रही थी तब तक दो आदमी अनामिका के ठेले पे आते हैं। सुनो, हमें 2 बड़ा ग्लास लेमन जूस पिलाना। उसकी बातें सुनकर श्यामला कहने लगती है, अरे भाई साहब इतनी धूप में आप आए हैं, ये लेमन जूस पीकर क्या होगा, वो देखिए वो मेरा गोली सोडा का दुकान है, चलिए मैं आपको ठंडा ठंडा गोली सोडा पिलाती हूँ। श्यामला की बात सुन के तब रमन कहता है, नहीं नहीं दीदी, हमें कोई गोली सोडा वोडा नहीं चाहिए, हम तो यहाँ पे लेमन जूस ही पियेंगे। वैसे ये बताइए, आप अपनी दुकान छोड़कर यहाँ पे क्या कर रही है? इस तरह उस आदमी के कहने पर श्यामला कुछ जवाब नहीं दे पाती है। अनामिका 2 बड़ा ग्लास लेमन जूस बना के उन दोनों को देती है, वो दोनों आराम से पीते हैं। श्यामला अनामिका को गुस्से से देखती है और फिर पैसे का बंडल लेकर वो कहती है, मैं शारदा से जाके अब मिलती हूँ और ये पैसे भी मैं उसी को देती हूँ, कहकर वहाँ से वो चली जाती है। उधर घर के सामने एक पेड़ के छांव में खटिया लगा के आराम से बैठे हुए थे शारदा और प्रसाद। अरे शारदा, बहू अकेले लेमन जूस बेच रही है, तुम भी जाती तो अच्छा रहता, बेटा रमेश अकेला काम करता है, तुम उसे भी तो मदद कर सकती हो। मैं भी वही बात कहना चाहती हूँ, पता नहीं आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, उधर बेटा रमेश अकेले ही खेत का इतना काम कर रहा है, बताइए आप जाकर थोड़ी मदद तो कर सकते हैं ना। अगर मैं उससे पूछता हूँ तो बेटा कहने लगता है कि नहीं पिताजी आप मत आइए, बहुत धूप है, लू लग गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खाने का भले ही कुछ ना हो लेकिन छांव में रहिए, ऐसी ऐसी बातें करता है वो शारदा। जैसे बेटा आपको खेत में जाने के लिए मना करता है, वैसे ही बहू भी लेमन जूस के ठेले पे जाने के लिए मना करती है। इस तरह वो बातचीत कर ही रहे थे तभी हाथ में पैसों का बंडल लेकर श्यामला उनके तरफ जाती है। शारदा प्रसाद जहाँ बैठे हुए थे वहाँ श्यामला पैसों का बंडल फेंकती है और उनके तरफ गुस्से से देखते हुए कहने लगती है, अगर चाहोगी तो और दूंगी लेकिन अभी के लिए मैं यही 2 बंडल देती हूँ। जिस तरह से तुम हमें पैसे दे रही हो देख के लग रहा है कुछ गलत काम ही करने को कहोगी, वो काम भी अब बता दो। तुम सीधा सीधी अपनी बहू से कहो कि वहाँ से लेमन जूस का ठेला हटा ले। हम नहीं हटाएंगे, वो पेड़ तुम्हारा तो नहीं है और वो जगह जहाँ पे वो पेड़ है वो तुम्हारे दादा परदादा ने भी नहीं दिया है, वो सबका है, उस पेड़ के नीचे बैठकर कोई भी व्यापार कर सकता है। और ये सारी बात हमारे गांव के प्रधान जी धर्मा जी ने अपने मुंह से कहा है। वो बात नहीं है शारदा, अगर वो इस तरह से कम भाव में लेमन जूस बेचेगी तो 20 रुपए लगा के हमारे पास गोली सोडा पीने कौन आएगा? इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ। देखो बहन, वो तुम्हारा व्यापार है, तुम्हारा सरदर्द है, जब तुम्हारा सरदर्द होगा तो तुम्हें दवाई खानी होगी, मरहम लगाना होगा, सही कहा कि नहीं?
अब यहाँ आके तुम हमें कह रही हो दवाई खाने, हम खाएंगे तो कैसे होगा बताओ। मैं तुम्हारी बहू की लेमन जूस बेचने की बात कर रही हूँ और तुम हो कि दवाई मरहम की बात कर रही हो, पता नहीं क्या क्या बातें किए जा रही हो। देखो श्यामला, हमारी शादी के 25 साल हो गए हैं, अभी तक मैं उसे नहीं समझ पाया। तुम एक काम करो, ये पैसे लो और जाओ, नहीं तो इसे गुस्सा आया तो उसकी बातों का और दिमाग का कुछ ठिकाना नहीं रहता। इस तरह से कहने पर श्यामला फिर कुछ जवाब ना देते हुए पैसों का बंडल उठाकर वहाँ से चली जाती है। फिर शाम होने को आया, रमेश अनामिका के लेमन जूस के ठेले के पास जाता है। अजी, आप यहाँ पे क्यों आए? खेत में काम करके आप तो थक गए होंगे ना? कुछ नहीं होगा अनामिका, वैसे जूस है या खत्म हो गया? खत्म हो गया जी, मैं घर जाने का सोच ही रही थी कि तब तक आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, चलो चलो ठेले पे बैठ जाओ, मैं धकेल के ले चलता हूँ। नहीं नहीं जी, कोई देख लिया तो ठीक नहीं होगा। अरे मैं किसी अनजान इंसान को ठेले पे बैठ के धकेल रहा हूँ क्या? मैं तो अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ ठेले में, वो कब सुबह यहाँ पर आई हो, खड़ी खड़ी तब से काम कर रही हो, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहे होंगे, अब चुपचाप तुम ठेले पे आके बैठो। जितना भी कहूँ कम है, आप इतने अच्छे इंसान क्यों हैं? आप मेरे सारी तकलीफों को समझते हैं। तुम्हारी आंखें बता देती है कि तुम कैसी महसूस कर रही हो, आओ बैठो अनामिका। रमेश के कहने पर बिना कुछ कहे अनामिका आके ठेले पे बैठ जाती है। बड़े ही प्यार से रमेश ठेले को ढकेलते हुए लेकर जाने लगता है। अगले दिन श्यामला सोचती है जिसे जो व्यापार करना करे, पर अब से वो खुशी खुशी व्यापार करेगी, कम से कम कुछ तो पैसे आएंगे। पर ऐसा उसने किया नहीं, वो पैसों का बंडल लेकर गांव प्रेसिडेंट धर्मा जी के यहाँ चली जाती है। क्या बात है श्यामला, तुम यहाँ आई? मालिक, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर कोई भी नहीं है, बताओ तुम क्या बताना चाहती हो? अनामिका बाबू। क्यों, वो तुम्हें जोर जबरदस्ती कर रही है क्या ताकि तुम गोली सोडा ना बेच सको? नहीं सर, ऐसी समस्या नहीं है। क्यों, जब तुम्हारे दुकान में कोई गोली सोडा पीने आता है, क्या वो तुम्हारे दुकान पे आके बोलती है कि मेरा लेमन जूस बहुत ही स्वादिष्ट है, आप लोग मेरे दुकान पे आके लेमन जूस पीकर जाइए? अरे मालिक, अनामिका ये सारी बातें क्यों करने जाएगी भला? फिर अनामिका के साथ समस्या क्या है? असल में बाबू, जहाँ पे खड़ी होकर मैं गोली सोडा बेचती हूँ, वहीं पे वो कम भाव में लेमन जूस बेचती है। इसमें गलत क्या है श्यामला, जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकता है, पर किसी और के व्यापार में घुस के तुम उसका व्यापार तो बर्बाद नहीं कर सकती ना? नहीं बाबू, आप ये पैसे रखिए और अनामिका से कहिए उस जगह पे वो खड़ी होकर अपना व्यापार ना करे। अब मुझे समझ में आया कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम यहाँ पर पैसों की लालच देने के लिए आई हो। तुम ये पैसे अपने पास रखो, और अगर तुम गलत इरादों से अनामिका का दुकान बंद करोगी तो ईश्वर भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, और एक बात, तुम्हारे पास जो पैसे है उसी से तुम खुश रहो और उसी से तुम अच्छे से व्यापार करो। धर्मा बाबू इस तरह से श्यामला को अच्छे से समझाते हैं। उनकी बातें सुन के श्यामला को भी लगता है कि जो उन्होंने कहा वो सही कहा, इसीलिए वो अपने पैसे उठाकर कहने लगती है। मुझे माफ कर दीजिएगा बाबू, लोगों की तरक्की देखकर मेरे मन में जलन होने लगी, इसीलिए मैंने ऐसा किया, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी। इतना कहकर देर ना करते हुए श्यामला वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उधर पेड़ के नीचे बहू अनामिका ठेला लगाकर लेमन जूस बेच रही होती है। वहाँ पे जिन्हें लेमन जूस पीने का मन हो रहा था वो अनामिका के दुकान पे जाते हैं, और जिन्हें गोली सोडा पीने का मन होता है वो श्यामला के दुकान पे जाते हैं। तभी श्यामला अनामिका के दुकान में आती है। अनामिका, क्या तुम सच कह रही हो? क्या वो गोली सोडा मांग रहे थे? हाँ दीदी, अगर आप चाहती है तो जाके खुद ही देख लीजिए, आपके दुकान में ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। अनामिका के कहने पर श्यामला अपने दुकान के तरफ देखती है, देखती है कि कुछ लोग वहाँ पे गोली सोडा के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखकर श्यामला बहुत खुश हो जाती है। थैंक यू अनामिका, अब से हम खुशी खुशी अपना अपना व्यापार करेंगे। अगर वो मेरे बारे में पूछे तो तुम बताना, तुम्हारे बारे पूछे तो मैं बताऊंगी।
ठीक है दीदी। अनामिका की बातें सुन के खुश होकर श्यामला अपने गोली सोडा के दुकान में लौट जाती है। तब से वो दोनों खुशी खुशी अपना व्यापार करने लगती है और खुशी खुशी परिवार के साथ गुजारा करती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। करीबन उस वक्त बीच रात, रात के 2 बज चुके थे। प्रसाद वॉशरूम के लिए जा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि शारदा बिस्तर पे नहीं है। पर वो घबराए नहीं, सीधा वो खिड़की के तरफ शांति से देखने लगे। शारदा खिड़की के पास ही खड़ी थी। वो खिड़की से बाहर लता तुरई के पेड़ को देख रही थी जिसमें तुरई था नहीं। ये देखकर मनी मन प्रसाद सोचने लगे। इतना समझाने के बाद भी शारदा को अकल नहीं, दिन रात के फर्क समझे ही बिना वो बस बेचारी बहू रानी एक तुरई का पेड़ लगाई है, खिड़की के पास खड़ी होकर उसी को देखते रहती है। कहकर वो वॉशरूम के तरफ चले जाते हैं। शारदा तभी भी वहीं पे खड़ी होकर पेड़ को देखे जा रही थी। बहू ने कहा था इस पेड़ में कुछ खासियत है, इसीलिए वो इस पेड़ को अपने मायके से लेकर आई है। पर समझ नहीं पा रही हूँ कि इस पेड़ पे अभी तक तुरई हुआ क्यों नहीं, आखिर में माजरा क्या है। इस तरह शारदा सोचती है तभी वहाँ पे प्रसाद आते हैं। अरे शारदा, तुम कर क्या रही हो, तुम्हें पता भी है? अरे हमारी बहुरानी ने एक तुड़ई का पेड़ लगाया है, वही देख रही हूँ। देख रही हो वो ठीक है, पर तुम्हें पता भी है घड़ी में टाइम क्या हो रहा है? 11 बज रहे होंगे या फिर 12 होंगे। 11-12 कुछ भी नहीं, रात के 2 बज रहे हैं शारदा। ऐसा क्या, तुरई के पेड़ को देख रही थी, क्यों अभी तक इसमें एक भी तुरई नहीं हुआ, यही सोच सोच के बस मैं देखती रह गई। ठीक है शारदा, कल जाके मैं उस पेड़ से पूछ के आऊंगा, अभी जाके सो जाओ। प्रसाद मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, पर शारदा ये समझ नहीं पाती है और वो मनी मन बहुत खुश हो जाती है। वाह, ये तुरई का पेड़ बात भी करता है आपसे, अच्छी बात है। तो फिर उसे कहिए ना मुझसे बात करने के लिए। चलिए हम दोनों चल के तुरई के पेड़ से बात करके आते हैं। शारदा ये सब कैसा पागलपन है, अब ये सब तुम बंद करो। इसमें कुछ भी पागलपन नहीं है, हमारी बहू घर आए हुए 10 साल हो गए, उसके 2 बच्चे भी हैं। समय बदल रहा है, हर तरह के पेड़ बड़े होके सूख रहे हैं और फिर से नए पौधे भी हो रहे हैं। हाँ तो तुम कहना क्या चाहती हो? हमारी बहू रानी इस पेड़ को अपनी शादी के वक्त ले आई थी, तब से ये पेड़ वैसे का वैसा ही है, सूखा नहीं, ना इसमें फूल आया है और ना ही कोई फल, और दिख नहीं रहा है आपको कैसे पूरे बगीचे में ये फैला हुआ है। अभी अगर मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुड़ई की बात करूं तो कल ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, मैं जाकर सो जाता हूँ, तुम बस अपने इसी ख्यालों में बैठे रहो। इतना कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। शारदा तभी भी खिड़की के पास खड़ी होकर उस तुड़ई के पेड़ को देखती ही रहती है। अगले दिन रविवार था, प्रसाद सोते रह गए और थोड़ी देर से वो कमरे से बाहर आए। बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, शारदा वहीं पे खड़ी खड़ी तुड़ई के पेड़ को देख रही होती है। आज इसके तुड़ई पेड़ के पागलपन को मुझे खत्म करना ही होगा। इतना कहकर वो घर के अंदर चले जाते हैं। फिर एक स्टूल लेकर वो बाहर निकल आते हैं। शारदा अपने पति के हाथ में स्टूल देखकर पूछने लगती है, आप ये लेकर क्यों आए जी? इस तरह घूम घूम के खड़े खड़े देखने से अच्छा है कि इस पे बैठ कर तुम आराम से देखो। रात में खिड़की के पास खड़ी होकर देख रही हो, सुबह यहाँ खड़ी होकर देख रही हो, खाते वक्त भी तुम यहीं पे बैठ के देखो, ऐसा कि तुम यहीं पे बैठ जाओ और बैठे बैठे सारा काम कर लो। मेरे साथ इस तरह का मजाक मत कीजिए। इस तरह से वो कही रही थी तब तक अनामिका उनके पास गर्मा गर्म इडली बनाकर ले आती है। अरे बहू, तुम ये तुड़ई का पेड़ अपने मायके से क्यों लेकर आई थी, ये बात सास को बताती क्यों नहीं? अरे पिताजी, अब आप भी, आप और आपके बेटे ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद पूरा दिन माँ जी यही सवाल कर करके मेरा दिमाग खाती है। तभी वहाँ पे अनामिका का पति रमेश भी आता है। अनामिका, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में अब कुछ भी नहीं है? अगर माँ जी इस तरह से मेरा दिमाग खाती रही फिर मैं क्या कहूँ बताइए। मैं जब बच्ची थी तो देखा था कि बगीचे में तुरई का चमकता हुआ पेड़,
इसीलिए उसे यहाँ लाकर मैंने अपनी जमीन पे गाड़ दिया। हर दिन जाके उस पेड़ पे पानी डालती हूँ, उससे बात करने में भी बड़ा मजा आता है। अब समय के साथ साथ धीरे धीरे इस पेड़ के साथ मुझे एक अचानक सा लगाव हो गया है। ये सब मुझसे मत कहो बहू। मेरी बात अच्छे से सुनिए तो पिताजी, यही वजह है जिसलिए मैं अपने घर से पेड़ को लाके यहाँ लगाई थी। 10 साल पहले लाई थी और 10 साल से मैं यही बात कह जा रही हूँ। फिर भी तुम्हारी सास तुम्हारी बात मानती नहीं। बिल्कुल नहीं पिताजी, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, आप और आपके बेटे ऑफिस चले जाने के बाद मैं टेलरिंग क्लास के लिए जाना चाहती हूँ। अच्छा बहू, कम से कम तुम्हारे तुरई पागलपन सासू माँ की वजह से कुछ तो अच्छा हो रहा है। मैं भी बहुत खुश हूँ, आखिरकार शारदा को भी परेशानी नहीं होगी। अब हम शारदा को तुड़ई पेड़ के साथ आराम से छोड़ देंगे। पर वो तो पिताजी मैंने पहले भी करके देख लिया है। एक बार बच्चे स्कूल से आए तो उसने देखा कि सासू माँ ने तुड़ई के पेड़ को एक रस्सी से बांध दिया है और उसे खींच कर निकालने की कोशिश कर रही है। हाँ दादाजी, हमने देखा था कि दादी माँ रस्सी से उस पेड़ को खींच के उखाड़ रही थी। उस पेड़ में ना कोई फूल खिलता है और ना ही उसमें सब्जी होता है, और मुझे ऐसे पेड़ पसंद नहीं जिसमें ना फूल हो ना फल हो, इसलिए रस्सी से खींच रही थी। लेकिन लेकिन क्या शारदा? लेकिन दादी वहीं पे धड़ाम से गिर गई, और ये देखकर मुझे और भैया क्यों जोरों से हंसी छूट गई, है ना भैया? उनकी बातें सुनके रमेश और प्रसाद भी हंसने लगते हैं। शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। बिना कुछ कहे चुपचाप अनामिका वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन शारदा देखती है कि घर पे कोई नहीं है। वो एक कुल्हाड़ी लेकर सीधा उस तुड़ई के पेड़ के पास जाती है। तुम तो ऐसी ही हो, ऊपर से घर के बिल्कुल सामने, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम्हें उखाड़ के फेंक देना। देख रहे हो ना, ये है कुल्हाड़ी, इसी से आज मैं तुम्हारा काम तमाम करूँगी। इस तरह कहकर शारदा कुल्हाड़ी निकाल कर पेड़ को काटने लगती है, पर पेड़ को कुछ नहीं होता, उल्टा शारदा को पसीना आ जाता है, उसकी लंबी लंबी सांसें चलने लगती है। ये कैसा तुड़ई का पेड़ है, रस्सी से पकड़ के खींची, ये निकल के आया नहीं। अब कुल्हाड़ी से काटने गई, चाहे जितना भी वार कर लूं, इस पेड़ पे एक खरोच नहीं आया, मैं खुद ही थक गई, अब क्या करूं? इस तरह थकार के शारदा वहां से अंदर चली जाती है और जाके किरोसिन का डब्बा ले आती है। अब तुम देखो मैं तुम्हारा कैसे विनाश करती हूँ। इतना कहकर वो पेड़ पे केरोसिन डालती है और आग लगा देती है, लेकिन उल्टा शारदा का शरीर जलने लगता है। शारदा के पीछे से आग लग जाती है। शारदा बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आग लग गई है, आग लग गई है, हे भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। इस तरह वो चिल्ला रही होती है, तभी अनामिका बच्चों को लेकर घर लौट आती है। शारदा को उस तरह से जलते हुए देख अनामिका बहुत घबरा जाती है। पानी का पाइप रखा हुआ था, उसी से पानी छिड़कने लगती है। तब तक शारदा का शरीर आधा जल चुका था। जल्दी से अनामिका एम्बुलेंस को फोन लगाकर अपना एड्रेस बताती है। उसके बाद तुरंत अनामिका प्रसाद और रमेश को फोन करके पूरी बात बताती है। बच्चे तुम लोग यहाँ घर पे सावधानी से रहना, वो ये कह रही थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस वहाँ आ जाती है। आधी जली हुई शारदा को वो उठाती है और सीधा उसे अस्पताल ले जाती है। रमेश और प्रसाद भी जल्द से जल्द घर पहुंचते हैं। वहां अनामिका सब कुछ खुल के बताती है। तब तक डॉक्टर साहब भी वहां पे आ जाते हैं। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब की ये बातें सुन के सभी लोग वहीं पे रोने लगते हैं। अनामिका बेटा, हमारे घर में जो जादुई का तुड़ई का पेड़ है उससे जाके माफी मांगो, शारदा के बिना वो घर सूना है। उनके इस तरह से कहने पर अनामिका को भी उनकी बात सही लगती है। देर ना किए हुए जल्दी से अनामिका अपने घर पे जाती है और उस तुड़ई पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़ के वो विनती करने लगती है। जैसा पिताजी ने कहा कि आप मायावी तुड़ई का पेड़ हैं, सभी का दिल होता है, ये बात तो सही है। बिल्कुल वैसे ही हर पेड़ में वन देवी का निवास होता है। आपके सामने विनती करती हूँ, मेरी सासू माँ को फिर से पहले जैसा कर दीजिए। अनामिका जैसे ये बात कहती है, उसी के साथ तुड़ई का पेड़ चमकने लगता है। पेड़ के हर डाल पर तुड़ई फल दिखने लगता है।
तभी अचानक से अनामिका को एक आवाज सुनाई देने लगती है। अनामिका, जैसे तुम्हारे पिताजी ने कहा, सच में मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम्हें तुड़ई चाहिए तो पेड़ से तोड़ के सब्जी बना सकती हो और वही सब्जी सासू माँ को खिलाओगी तो वो पहले जैसी हो जाएगी। इस तरह कहने के बाद उस तुड़ई पेड़ से रोशनी गायब हो जाती है। अनामिका बहुत खुश होती है। अस्पताल से शारदा वापस लौट आती है। वो रोज सासू माँ को तुड़ई का सब्जी बना के देने लगी। धीरे धीरे दिन निकलता है, फिर शारदा भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। समय के साथ मायावी तुड़ई की सब्जी खाकर शारदा अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तब से सभी लोग एक साथ मिलजुल के उस तुड़ई पेड़ का देखभाल करने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।